जरा सोचो, कुछ खास बच्चों को चुनकर उन्हें जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो समय आने पर दुनिया को बचा सकें। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है 30 साल पहले, जहां जेनिथ नाम से जानी जाने वाली 5 सुपर हीरोज की टीम ने खूंखार अपराधियों का सामना करके धरती को बचाया था। टीम का लीडर था सुपर हीरो जूम। वो भी एक आम इंसान था, लेकिन फिर यूएसए की सरकार ने उसे सुपर हीरो बनाने के लिए चुन लिया। उसके पास बिजली से भी तेज दौड़ने की ताकत थी। टीम में जूम का बड़ा भाई कंकशन भी शामिल था। जब धरती पर एलियंस के हमले का खतरा बढ़ा तो जनरल लैराबी ने टीम की शक्तियों को और बढ़ाने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस रेडिएशन का नाम था गामा 13, जिसे पूरी टीम पर आजमाया गया। इससे जूम तो पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो गया, लेकिन कंकशन के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। वो गुस्सैल बनकर बुरे रास्ते पर निकल गया। उसे लगा कि जूम और उसकी टीम ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने 3 सुपर हीरोज को जान से मार डाला। आखिरकार जूम ने उसे हरा कर एक ऐसे गोले में फेंक दिया जहां से वो लौट कर ना आ सके। लेकिन इस घटना के कई साल बाद जूम धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोने लगा और फिर से जैक नाम का एक आम इंसान बनकर कैलिफोर्निया में रहने लगा। अब 30 साल बाद डॉक्टर ग्रांट नाम के एक साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कंकशन उस गोले से बाहर आने की राह पर निकल चुका है। इतने सालों में ना तो उसकी मौत हुई और ना ही उसकी उम्र बढ़ी, क्योंकि वो वक्त से भी तेज था। साइंटिस्ट का मानना है कि कंकशन पहले जैसी शक्तियों के साथ अपने भाई से बदला लेने आ रहा है। लेकिन जूम तो अपनी सारी ताकत खो चुका था, इसलिए कंकशन का सामना करने के लिए जनरल लैराबी अद्भुत शक्तियों वाले बच्चों की टीम तैयार करना चाहता है। लेकिन उसके पास सिर्फ 12 दिन बचे थे। उन बच्चों को तैयार करने के लिए जूम से बेहतर आखिर कौन हो सकता है? जनरल जानता था कि जूम इस काम के लिए नहीं मानेगा, इसलिए उसने जबरदस्ती जैक को वहां लाने का ऑर्डर दे दिया। उधर जैक एक आम से मैकेनिक की जिंदगी जी रहा था। उसके पास बस इतनी शक्ति बची थी कि उंगली से अपनी कॉफी फेंट लेता था। फिर डॉक्टर ग्रांट और उसके असिस्टेंट डॉक्टर मार्शा जैक को इस नए मिशन के लिए लेने आए, लेकिन जैक ने कहा कि अब धरती को नए सुपर हीरोज की जरूरत नहीं है। जब वो आराम से चलने को नहीं माना तो ग्रांट ने उसे बेहोशी की गोली मारी और अपनी लैब में ले आया। ग्रांट और जनरल ने फैसला किया कि जैक को कंकशन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे ताकि वो अपने भाई के लिए भावुक ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं नए सुपर हीरोज की टीम को। इसमें सबसे छोटी है 6 साल की सिंडी, जिसके पास किसी भी भारी भरकम चीज को आसानी से उठाने की ताकत है। अब तक वो अपनी शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करती आई थी, लेकिन अब बस वो सुपर हीरो टेस्ट में पास होना चाहती थी। अगली है 16 साल की समर, जो सिर्फ अपने दिमाग से ही चीजों को इधर उधर हिला सकती है। क्योंकि स्कूल में सब उसे तंग करते थे, तो अब वो सुपर हीरो टीम में शामिल होना चाहती है। इसके अलावा हमने देखा 17 साल के डिलन को, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो बहुत मस्करी किया करता था। आखिर में 12 साल के टकर के पास सबसे खास ताकत है। वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को फुलाकर बड़ा बना सकता था। उधर लैब में जैक को होश आया तो उसके सामने 2 रास्ते थे। अगर वो नए सुपर हीरोज को तैयार करेगा तो उसे $5,00,000 मिलेंगे, और अगर नहीं करेगा तो उसे झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया जाएगा। अब बेचारा क्या करता? बेसिकली ज्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं, तो बेचारा मान ही गया। इसके बाद वो डॉक्टर मार्शा से मिला, जो उसकी दीवानी थी। उसने सारी जेनिथ किताबें इकट्ठी करके जूम के बारे में पढ़ रखा था। जब जैक ने नए सुपर हीरोज देखे तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये सारे तो छोटे बच्चे थे। अबे सुपर हीरो ट्रेन करना है, घर घर खेलना है, क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? लेकिन फिर ग्रांट ने उसे हर बच्चे की खास ताकत के बारे में बताया। मार्शा ने कहा कि उन्हें ट्रेनिंग से ही बच्चों की शक्तियां बढ़ानी होंगी, क्योंकि गामा 13 इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिर सब बच्चों ने अपनी शक्तियों के नमूने पेश किए। कोई बहुत तेज पल के झपकाता था तो कोई पढ़ने की मशीन निकला। आखिरकार सिंडी, समर, डिलन और टकर को ही चुना गया। उधर कंकशन के लौटने में अब सिर्फ 9 दिन बचे थे। जनरल और ग्रांट बच्चों से काफी खुश थे, लेकिन उन्हें शक था कि जैक उन्हें इतने कम समय में तैयार कर भी पाएगा या नहीं। जनरल तो बच्चों पर गामा 13 आजमाने को भी तैयार था। शुरुआत में तो किसी बच्चे ने जैक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मार्शा ने उन्हें बताया कि जैक ही असल में कैप्टन जूम है, तो सब उसके दीवाने हो गए। लेकिन डिलन को अब भी उस पर शक था। इसके बाद साइंटिस्ट और जैक ने मिलकर सब बच्चों की काबिलियत को आजमा कर देखा। सिंडी ने भारी से भारी चीजों को भी आराम से उठाकर सबको हैरान कर दिया।
लेकिन जैक को सिंडी कुछ खास पसंद नहीं थी क्योंकि वो हर वक्त उससे बात करती रहती थी। उधर डिलन सबको काफी परेशान करता था। जब वो उसकी शक्तियों को आजमाने लगते तो वो अचानक से गायब हो जाता। एक दिन जैक ने मार्शा से पूछ लिया कि बच्चों को आखिर तैयार क्यों कर रहे हैं, लेकिन मार्शा ने कुछ नहीं बताया। सच तो ये था कि उसे भी कंकशन के लौटने की कोई खबर नहीं थी। फिर जनरल के साथ मीटिंग में मार्शा ने सबको बताया कि इन बच्चों के अंदर इससे हजार गुना ज्यादा शक्ति है, लेकिन बच्चे अनजाने में अपने दिमाग से उसे रोक रहे हैं। उसी वक्त जैक ने मीटिंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन ग्रांट बच्चों और जैक को मिस्टर पेप से मिलवाने ले गया, जो एक एआई रोबोट है। इस रोबोट को टीम जेनिथ का साथ देने के लिए बनाया गया था। फिर पेप के साथ जैक बच्चों को लेकर एक पुराने कमरे में गया जहाँ उनका पुराना स्पेसशिप रखा था। उसने चुपके से बच्चों को उसमें बिठाया और उन्हें बाहर घुमाने ले गया। वो सब मस्त बाहर से खाना खा के आए, लेकिन जल्द ही इसकी खबर टीवी पर आ गई और लोगों को लगा कि धरती पर आइसक्रीम खाने वाले एलियंस ने हमला कर दिया है। तब साइंटिस्ट को पता चला कि ये काम जैक का था, लेकिन भला कैप्टन जून के खिलाफ कोई क्या ही कर सकता था। उस रात सिंडी ने जैक को नींद से उठाकर कहा कि उसे बुरा सपना आया और इसलिए वो उसके कमरे में सोना चाहती है। जैक को उस छोटी बच्ची के लिए बुरा लगा, इसलिए उसने सिंडी को सोफे पर सोने को कहा, लेकिन सिंडी ने तो बिना जोर लगाए सोफे को खींच कर बेड से जोड़ दिया और मस्त सो गई। अगले दिन साइंटिस्ट ने बच्चों को रंगीन बॉल से भरे कमरे में भेजा ताकि उन्हें गोलियों से बचने की ट्रेनिंग मिल सके। इसके बाद सब ट्रेडमिल पर भागे और फिर जैक के साथ अपनी शक्तियों की ट्रेनिंग की। हालांकि उन सब की शक्तियां बढ़ रही थी, लेकिन अब भी काफी काम बाकी था। आखिर तक सब रंग में भीगे हुए बुरी तरह थक चुके थे। डिलन ने कहा कि किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है और जैक भी बस पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। बाद में जैक डिलन से मिलने उसके कमरे में गया, जो खास डिलन को गायब होने से रोकने के लिए बनाया गया था। फिर उसने डिलन को बचपन में अपने भाई के साथ सुपर हीरो बनने की कहानी सुनाई। डिलन को एहसास हुआ कि कंकशन ही जैक का बड़ा भाई है। जैक उसके बारे में बात करके भावुक हो गया, इसलिए उसने डिलन को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसे लगा कि डिलन के पास शायद एक और खास शक्ति है। जैक ने उससे अपनी आंखें बंद करके समर को ढूंढने को कहा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे समर अपने कमरे में नाचती हुई दिखाई दी। असल में इस शक्ति को माइंड साइट कहते हैं, जो काफी कम लोगों के पास थी। फिर जैक ने उसकी तारीफ की और खुश होकर उसे टीम का लीडर बना दिया। बाद में जैक और मार्शा ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब जैक ने मार्शा की तारीफ की तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। इसके बाद हमने देखा कि जनरल और ग्रांट उसी जगह पहुंचे जहां से कंकशन गायब हुआ था। उनके हिसाब से कंकशन यहीं से लौटेगा। ग्रांट ने बच्चों के जरिए कंकशन का ध्यान भटकाकर उसे एक रोबोटिक जाल की मदद से पकड़ने का फैसला किया। उस जाल की मदद से वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जब कंकशन के लौटने में सिर्फ 48 घंटे रह गए तो जैक ने बच्चों के लिए एक पार्टी रखी। डिलन समर के साथ और जैक मार्शा के साथ डांस करने लगा, लेकिन तभी जनरल ने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। साला कबाब में हड्डी। जैक ने देखा कि वहाँ गामा 13 का सामान लाया जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि इन बच्चों के साथ भी वही किया जाएगा जो उनकी टीम के साथ 30 साल पहले हुआ था। उसने जनरल को समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर आधी रात को जैक ने सभी बच्चों को जगाकर उन्हें जनरल से बचाने का प्लान बनाया। अचानक डिलन को अपने आप अंदर से कुछ दिखाई दिया। उसने देखा कि साइंटिस्ट का असली मकसद कंकशन को मारना है। जब जैक को पता चला कि उसका भाई जिंदा है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। बच्चों को छुपाकर वो सीधा जनरल के पास पहुंचा। जनरल ने आखिरकार उसे बताया कि कंकशन जिंदा है और 2 घंटे में लौट आएगा। जैक ने समझाने की कोशिश की कि बच्चे कंकशन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनरल को मिशन रोक देना चाहिए, लेकिन जनरल ने तो उसे ही जेल में बंद कर दिया। उधर मार्शा बच्चों को ढूंढ कर ग्रांट के पास ले आई। रास्ते में उसने अपनी फूंक से गार्ड्स को उड़ा दिया, जिससे हमें पता चला कि उसके पास भी शक्तियां हैं। फिर उन्होंने मिलकर जैक को छुड़ाया और उसकी स्पेसशिप में उड़कर भाग गए। उसी वक्त वो गोला खुला और अब कंकशन धरती पर लौटने ही वाला था। स्पेसशिप भी वहां पहुंच गई और जैक बच्चों को अंदर ही छोड़कर खुद ही अपने भाई से मिलने चला गया। इतने साल बाद मिलकर वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। कंकशन अब भी जवान था, लेकिन जैक बूढ़ा और कमजोर हो गया था। जैक ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कंकशन ने अपनी जोरदार ताकत से उसे हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त सभी बच्चे भी वहां पहुंच गए। जैसे ही कंकशन का ध्यान भटका, जनरल ने रोबोटिक जाल उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे सिंडी की तरफ मोड़ दिया। उसे चोट लगने ही वाली थी कि जैक ने अपनी शक्तियां फिर से जगाकर उसे बचा लिया। इसके बाद वो 5 सेकंड
के अंदर लैब में गया, अपना सूट पहना और वापस भी आ गया। उन्हें बताया गया कि अगर कंकशन को रोबोटिक जाल में फेंक दिया जाए तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। फिर डिलन ने अपनी शक्ति से कंकशन का ध्यान भटकाया और समर ने कई पत्थर उनकी ओर फेंके। टकर ने अपने पेट को फुलाकर उसे हवा में उछाल दिया और सिंडी ने एक खंभे से उस पर जोरदार वार किया। आखिरकार मार्शा ने अपनी फूंक से उसे रोबोटिक जाल में फेंक दिया। कुछ ही पलों में कंकशन की बुराई मिट गई और वो पहले जैसा हो गया। आखिरकार जूम ने डॉक्टर ग्रांट के साथ मिलकर एक नई जेनिथ टीम बनाई जिसमें वो सभी शामिल थे और फिर वो सभी मिलकर अपनी स्पेसशिप में उड़ गए। तो आज की कहानी में तुम्हें किसकी सुपर पावर सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।